नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कछुए के अंदर मेल और फीमेल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप इजिली आइडेंटिफाई करके मेल और फीमेल को आप पहचान सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो कछुए के साइज के हिसाब, मोस्टली फीमेल्स जो होती है मेल के साइज से दुगने साइज की, लेकिन ये जो मेल और फीमेल का ये जो साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट है, पार्टिकुलर एक एज में जाने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कछुए का साइज जब छोटा होता है, आप उस स्टेजेस में मेल और फीमेल कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आपके पास एक टर्टल है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेल और फीमेल में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो कछुए का जो बॉडी का नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको प्लास्ट्रोम मेल के केस में होता है, यानी इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, जबकि फीमेल के केस में जो प्लास्ट्रम होता है पूरा फ्लैट होता है। फ्लैट होने का एक रीजन ये है क्योंकि फीमेल्स एग ले करती है, और फ्लैट होने की वजह से है उसको काफी स्पेस ऑक्यूपाई करने में मदद मिलती है, यानी एग्स को काफी स्टोर कर सकती है। इसलिए फीमेल्स के केस में जो प्लास्ट्रम होता है फ्लैट होता है। मेल्स की जो गर्दन होती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये एक्चुअल देखने में एक मेल ही लग रहा है, मेल की गर्दन पतली और लंबी और बाहर की तरफ होती है, जबकि फीमेल जो होती है ब्रॉड और ब्रॉड साइज की होती है, उसकी जो गर्दन होती है काफी छोटी होती है। यानी जो आप देखोगे टर्टल्स के केस में जो गर्दन ज्यादा बाहर निकालते हैं, आप अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया लगा सकते हो कि मेल पक्षी है, और जिसकी गर्दन कम बाहर निकलती है और गर्दन का साइज थोड़ा मोटा होता है वो फीमेल हो सकती है। टेल साइज के हिसाब से मेल के केस में टेल लंबी होती है, और फीमेल के केस में टेल छोटी होती है और मोटी होती है। टर्टल्स में आगे वाले पैर में जो है नाखून काफी बड़े होते हैं। मेल के केस में नाखून बड़े होने का एक फायदा ये है कि मेटिंग के वक्त टर्टल्स को फीमेल को होल्ड करने के लिए काफी मदद मिलती है, इसलिए मेल के केस में अगर आप देखेंगे कि अक्सर नाखून काफी बड़े होते हैं, फीमेल्स के केसेस में काफी छोटे होते हैं। एक अन्य डिफरेंस क्लोएका वो पोर्शन होता है जहां से टर्टल्स अपने बॉडी के जो वेस्ट मेटल को एक्सक्रीट करता है, क्लोएकल ओपनिंग्स भी बोलते हैं। फीमेल के केस में ये जो है आपके शरीर के काफी नजदीक होती है, जबकि मेल के केस में ये टेल के बिल्कुल बाहरी सतह पर होती है। ये भी एक डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है कि मेल और फीमेल में आप कैसे इजिली आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपके पास टर्टल्स है और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट लिखिए, मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा कि आप किन रीजंस की वजह से आप अपने टर्टल्स को मेल या फीमेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं।